That's my best friend. हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब? वो करता हूँ सब बढ़िया होंगे भाइयों। तो कैसीनो सीरीज़ में एक बार फिर से सबका वेलकम है एक और साइड मिशन में। तो इसका नाम है फेक न्यूज़ और ये हमारा पांचवा साइड मिशन है। तो मैं कैसीनो में था तो मैंने सोचा क्यों ना मैडम जी को फ़ोन करें और कोई मिशन कर लें। तो ये बता रही है हमें डिटेल, इसकी हमें समझ तो आती नहीं कोई बात। तो हमें कई सारी लोकेशन दे दी इसने, यहाँ पे जाना है तो यही पास है, पहले डी पे चलते हैं। रिपोर्टर ढूंढना है, रिपोर्टर। अच्छा, कोई इनके कैसीनो के बारे में गलत छाप रहा होगा या फिर सच छाप रहा होगा, पता नहीं। हमें तो काम करना है अपना, मैडम को इम्प्रेस करना पड़ेगा। अरे भाई, मेरी ड्राइविंग क्या हो गया मुझे। तो भाई मैडम के लिए करना पड़ेगा, हमें तो रिपोर्टर मारने पड़े चाहे पुलिस मारनी पड़े। आ गया, हमारी लोकेशन आ गया। ये री वैन। अच्छा, ये वाली वैन नहीं है तो चलते हैं भाई और दूसरी जगह देखते हैं। अभी इतनी दूर जाना पड़ेगा यार, बी पे ही चलते हैं और क्या। देखते हैं कहाँ मिलेगी है वैन हमें। गाड़ी हमारी फास्ट है वैसे, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी ये दूर दूर लोकेशन वाले मिशन होते हैं इनके लिए यार ऑपरेसर ही काम करते हैं हमेशा, MK2। तो मुझे पता होता तो मैं वही ले लेता, ले तो अब भी सकता हूँ लेकिन छोड़ो क्या फ़ायदा। अब ऐसे ही करते हैं जैसे कर रहे हैं, हमें कौन सा डर लग रहा है गाड़ी चलाने से। ऐसे ही पहुँच जाएंगे घूमते फिरते, क्या दिक्कत है। बस ऐसे मिशंस की एक खासियत ये होती है कि चाहे भाई कोई सा भी लोकेशन चुन लो, चाहे पहले ए पे जाओ या फिर पहले बी पे जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनका सिस्टम ऐसा होता है कि जिस पे वो मिलेगी ना उसी पे मिलेगी वो, जो ये वैन है। तो जैसे मैं डी पे गया था, डी पे वो मिली नहीं मुझे, मैं बी पे जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी, मुझे 10% भी चांस नहीं है कि बी पे मुझे वो रिपोर्टर मिलेगा। और बी छोड़ो, मुझे ये भी नहीं यकीन कि मुझे इसके अगले दो पे भी मिलेगा, वो मुझे सबसे एंड में ही मिलेगा। यही हमेशा तय होता है इन मिशन में, चाहे किसी भी जगह चले जाओ, गेम में चक्कर कटवा नहीं है। ऐसा कोई फिक्स स्पॉट नहीं है कि हाँ पहले चले गए बी पे तो सीधा बी पे ही रिपोर्टर मिलेगा। चलो, ये सारी ट्रिक होती हैं GTA की। तो फिर भी हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो खुश करना है मैडम जी को, मिस बेकर हार्ले क्वीन को। अरे मेरी ड्राइविंग, बातों में मेरी ड्राइविंग ख़राब होती है। चलो बीवी आ गया, बोलते बोलते कहा था मैंने घूमते फिरते पहुंच जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी चेक करते हैं किधर है, ये भी नहीं है। मुझे पता ही था भाई कुछ नया है ही नहीं इसमें। चलो निकलते हैं बाहर, बगले पे चलेंगे। और भाई बोरिंग हो सकता है मिशन, पर मैं क्या करूं, ज़रूरी भी है कंप्लीट करने और ये सब दिखाने भी ज़रूरी है कि कौन कौन सा मिशन है इसमें, कौन कौन सा साइड मिशन दे रहे हैं हमें ये। तो बने रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है यार। रिपोर्टर कभी तो मिलेगा, अब नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा, और जब मिलेगा जितने भी तेल गाड़ी का खर्च हुआ है सारा वसूल लेंगे उससे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, जब तक मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं फास्ट ही करूँगा और जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँगा। पहले मैं ज़रा देख लेता हूँ किस पे चलें। ए पे जाना, ए पास है। अब भगाता हूँ गाड़ी में, देखो अब कितने कम टाइम में पहुँचाऊँगा। फिर स्पीड गाड़ी में,
ये लोहे भी आ गया अभी, ये यहाँ भी नज़र मार लेते हैं एक बार, कहाँ पे है ये? अच्छा इसके अंदर किधर है? ये भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड था ये भी। तो मैं ई पे जाऊँ कि सी पे जाऊँ? सी पे ही चलते हैं भाई, वहाँ एयरपोर्ट पे एंड में जाएंगे, मुझे लगता है जाना तो पड़ेगा ही, जैसा कि मैंने भी बता ही दिया, सेम वही करके दिखा रही है गेम, सेम वही सिस्टम हो रहा है। बल्कि हम पैटर्न वाइज भी नहीं गए, ए बी सी डी ई ऐसे नहीं गए हम, पहले डी पे बी पे फिर ए पे अब सी पे, फिर भी नामुमकिन है गेम को बीट करना। ये जिसको इसको जैसे एंड होना होगा ऐसे ही एंड होगी ये, फिर भी हम तो गाड़ी भगा सकते हैं भाई, बस इतना कर सकते हैं, बस भगा रहे हैं फुल तेज ड्राइविंग दिखा रहे हैं आपको अपनी। लोहे आ गया सी, और तेरे भाई साहब ज़्यादा ही दिखा दे कुछ ड्राइविंग। किधर है ये री वैन? यही है वैन, यही है। क्या करना है इसका? अरे इसका भी पीछा करना है अब, और ये पीछा, पहले कम गाड़ी चला ली हमने, अब पीछा भी करना पड़ेगा तेरे लिए। क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये देखो नीचे बार सस्पेंशन का, पहले पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया, अब इसके पीछे भी चक्कर लगवाएगी है। ठीक है भाई, ये पहले गियर में डाल दी मैंने बुगाटी, और बता इससे भी कम चलाऊं भाई? ये रिपोर्टर अगर इसको मारना हुआ ना, पक्का इससे तेल का खर्चा लूंगा, इसको इतने अच्छी तरह मारूंगा। चलो चलो, ओ ट्रक लाइट मार रहा है, अभी ये ना रेड लाइट पे रुक जाए कहीं। चलो ये तो चल रही है, अच्छा हुआ ये गाड़ियां की रुकी पड़ी हैं। अरे और कितना बोरिंग करोगे इस मिशन को? स्पाई वाला मिशन बना दिया इसको इन्होंने, हिटमैन थोड़ी चल रही है ये गेम, GTA 5 है ये। इसमें तो ऐसे मिशन लगते हैं, अभी जाके ठोक दूँ उसकी वैन में और दे बंदूक सिर में, खत्म। एक तरफ तो ये मैडम मरवा रही है पुलिस भी पूरे शहर में ऊपर से, दूसरी तरफ रिपोर्टरों को ये पीछा करवा रही है, मारने नहीं दे रही। चलो इस ट्रक के पीछे छुपते हैं। अरे भाग गया ये तो, इसकी भी स्पीड तेज है, एक बस रिपोर्टर की वैन की स्पीड तेज नहीं है। फॉलो द रिपोर्टर, कहाँ पे? अच्छा वैन में से उतर गया वो, ओ वैन रुक गई। इसको कहीं पे जाके मारना है शांत जगह पे। तेरा तो बेटे देख, तूने कितना तेल खर्च करवाया मेरा, तेरे खोपड़े में गोली मारूंगा मैं अपनी काटता हूँ पिस्टल कोई। ठीक है इसमें साइलेंसर है भी कि नहीं है? ठीक है इसके सिर में से निकालेंगे तेल। किधर जा रहा है? किधर? सिर में, सिर में। चल हट। ओ भाई इसका वॉलेट भी लेना है, गेम ने मेरी कैसे सुन ली बात, देख लिया फिर। GTA 5 इतनी महान गेम है, इसने मेरी बात सुन ली, मुझे तेल का खर्चा भी दे रही है। लो ये लो बटवा मेरा हो गया इसका, अब ठीक है मैं डलवा लूँगा तेल, कोई बात नहीं। $500 थे बहुत है मेरे लिए, $500 का तेल कम है मेरी गाड़ी के लिए। भागते हैं यहाँ से और क्या,
तभी तो मुझे पसंद है GTA, देख लिया, मेरी मन की बात सुन ली, गोली भी मारने दी सिर में और पैसे भी दिलवा दिए। अबे हटना, चलते हैं, भागते हैं यहाँ से। तो भाई ठीक है, एक काम करते हैं, दुकान से मैं ज़रा अपने लिए कुछ ले लेता हूँ, स्नैक वगैरह, पैसा बहुत है, $10,000 मिले इस मिशन के, पेमेंट बढ़ रही है हमारी। तो भाई ठीक है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक ले सबको बाय, नोटिफिकेशन आती रहे आपको।